स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ब्राउजर में जो भी एलिमेंट्स आपके रेंडर हो रहे हैं वो डोम के ऊपर ही रेंडर होते हैं, और डोम को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। लेट्स से एग्जांपल के लिए एक चीज़ है जो पहले से डिफाइन है कुछ इस तरह से, ठीक है, बट डोम मैनिपुलेशन की हेल्प से क्या होगा कि मैं इसको अपडेट होते हुए दिखा सकता हूँ कि भाई मान लो पीछे से कुछ इनपुट आया तो डोम मैनिपुलेट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे हम लोग बैकएंड से डेटा भेजते रहते हैं, फ्रंट एंड पर अपडेट होता रहता है, दैट इज़ अ डोम मैनिपुलेशन। तो दो चीज़ें पे ही पूरा वेब बेस्ड है, डोम एंड बोम। वन इज़ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, सेकंड इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो बॉडी में दिख रहा है दैट इज़ अ डोम, और जो ब्राउजर पर चल रहा है दैट इज़ अ बोम। यानी कि आपकी वो अलर्ट हो सकते हैं, नोटिफिकेशन हो सकते हैं, आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो HTML और CSS मिलके बनाते हैं स्टैटिक डोम, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट जब लग जाती है तो हो जाता है फिर आपका डायनामिक डोम। यानी कि डोम पर कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको पीछे से कमांड करके कुछ भी बदल सकता हूँ, तो वो होता है मैनिपुलेशन, ठीक है। यानी कि हमने एक बनी बनाई चीज़ को बदल दिया, जैसे कि अगर ये हाउ टू रजिस्टर यहाँ लिखा हुआ है और मैं इंस्पेक्ट में जाके इसको मैनिपुलेट कर दूँ तो ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा अभी यहाँ से। क्योंकि जैसे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वहाँ पर लिखा है करंट कलर, मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ लाइक ग्रीन, मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। तो ये मुझे करना पड़ा मैनुअली, बट अगर जावास्क्रिप्ट होती तो यहाँ पर होता ना जैसे बटन चेंज कलर डोम मैनिपुलेट फटाक से। तरस के एग्जाम चल रहे हैं क्या? सो VS कोड अपना स्टार्ट हो गया, तो एंटर करते हैं फटाफट VS कोड में और यहाँ जाके लेते हैं। तो ये अपने बुलाओ, तो बनाते एक न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0406। और यहाँ से आप अपना बेस कोड कॉपी करिए, यहाँ लाके कॉल कर लीजिए इस चीज को, पूरी करके आया, आज एक्टिव लग रहा है। तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट जो हमारा कोड रहता है, और ये आपको ऑफिशियल साइट से यहाँ से मिल जाता है जब आप डॉक्स में आते हैं, और यहाँ से ये कोड आपने कॉपी करके कॉल कर लेना है। अब आज हम लोग एक टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे कैसे हमने डिफाइन करना है। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर दिया था ना वो, या नहीं सर? फर्स्ट पेज बना उसका वो बना दिया था ना, तो फिर हम लोग इसी को कॉपी करेंगे, दोबारा से शुरू नहीं करते, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कॉपी पेस्ट 04 एंड ओपन विद लाइव सर्वर। ये पार्ट हमारा रेडी। बॉम्बे देख रहा है, इसका ब्लोअर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं,
सबसे पहले डिफाइन किया कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, जो कि हमारा मेन कंटेनर होता है जो कि बाय डिफॉल्ट 100% ही रहेगा। तो कंटेनर को समझने के लिए आपको यहाँ से कंटेनर में आना है और आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमारी कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो क्या हमने यूज़ किया था, कंटेनर फ्लूइड विच इज़ विड्थ 100% एट ऑल ब्रेक पॉइंट्स, मतलब किसी भी साइज पर आप रहोगे ये हमेशा 100% ही रहेगा। हमने उसके अंदर फिर यूज़ किया था अगेन कंटेनर फ्लूइड फॉर टॉप स्ट्रिप, यानी कि अगर हम लोग इस फाइल को यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं तो ये ब्लैक स्ट्रिप देख रहे हो, हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्क्रीन हो ये हमेशा फुल विड्थ ही रहे, ठीक है। तो हमने अगेन कंटेनर फ्लूइड में क्या यूज़ किया, कंटेनर फ्लूइड यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, और एक हमने फिलहाल के लिए बी जी डार्क जो कि एक प्री डिफाइंड क्लास होती है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें डिफाइन किया इसके बाद कंटेनर, कंटेनर के ब्रेक पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेस्ट किए थे, टोटल 6 ब्रेक पॉइंट होते हैं। सबसे बड़ा जो साइज होता है वो होता है 1400, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो 1400 में से जो आपका वर्किंग एरिया रहता है वो रहता है 1320 पिक्सल्स का, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर के अलग अलग साइजेस यहाँ पर है, नीचे फ्लूइड मेंशन है, फ्लूइड मतलब सभी डिवाइस पर ये 100 ही रहेगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होगा वो आपका 1400 पिक्सल से अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो ये मैक्सिमम 1320 पिक्सल का होगा, ठीक है। और अभी हमारी स्क्रीन जो है वो है फुल HD, यानी कि 1400 से तो बहुत बड़ी होगी ना, यानी कि 1920, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ब्रेक पॉइंट होता है वो होता है 1200 पिक्सल्स का, जहाँ पर हमारे कंटेनर जो है वो रिसाइज होकर 1140 होगा, फिर 992 जिस पर 960 रहेगा, 768 720 576 540 और उसके नीचे 100% में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक ये अपने पिक्सल में ब्रेक होगा, उसके नीचे 100%। तो अभी जो हमने यहाँ पे कंटेनर डिफाइन किया है वो इस पर काम कर रहा है, ये साइजेस हमारे पास, यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंटेनर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ठीक है, ये जो हमारा कंटेनर है तो आप देख रहे हो ये अलग कंटेनर जो है इसकी वर्थ है 1320 पिक्सल, ठीक है। अब इमेज जो है वो हमारी 960 पिक्सल की है, तो इमेज को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो हमने इमेज पर लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हम लोग लिखते हैं W100 कैप्स लॉक आप लिखिएगा W100, तो इमेज की जो विड्थ होगी वो 100% हो जाएगी। बट इस केस में क्या होगा कि आपकी जो इमेज है वो पिक्सलेट हो जाएगी, क्वालिटी लॉस हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इमेज का साइज़ है छोटा और हमने इमेज को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा किया हुआ है ना। तो आप फोटोशॉप में अपनी इमेज को मॉडिफाई करके इसको स्केल अप कर सकते हो, फोटोशॉप ओपन, यहाँ से अपने टैबलेट को ओपन करिए, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू डॉक्यूमेंट, लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब जो आपका ये बैकग्राउंड है इसको आप हैंडल कर लो, तो यहाँ से हम लेते हैं मार्कर सिलेक्शन टूल, विड्थ लेते हैं 960 की जगह पर 1320 पिक्सल्स,
अनवांटेड पार्ट रिमूव और हम अपना नया वेब बैनर यहाँ से सेव कर लेते हैं। तब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। यहाँ से जेपीजी क्लिक ऑन सेव और कहाँ काम करेंगे हम लोग, सी ड्राइव डी ड्राइव कहाँ चल रहा है, डी में चल रहा है ना। फर्स्ट जून वाले फोल्डर कलेप्स करेंगे, ये हमारा लेटेस्ट वाला पार्ट आ गया। कंट्रोल एक्स, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तभी अपना बढ़िया से नीट एंड क्लीन फुल एवर्थ हमारा यहाँ पर डिज़ाइन वर्क कर रहा है। अब इस डिज़ाइन में हमें एक नेविगेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ऊपर एक नैब बार अवेलेबल है, इसमें ये नैब बार बनाना है। तो नैब बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कंपोनेंट्स में आना है और आपने यहाँ फाइंड आउट करना है नैव बार। यहाँ से कॉपी कीजिए और अपने वीएस कोड में आना है आपने, और यहाँ पर आपने अपने नैव बार को कॉल कर देना है। ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमारा नैव बार आ गया इस तरह से, बट नैव बार बीच में होना चाहिए ना कि फुल बर्थ में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे नैव बार में क्लास लगी कंटेनर फ्लूड, इसको हटा दो। अब आ गया उसके अंदर जैसा मैं रिक्वायर्ड है। यहाँ पर सर्च वगैरह कुछ अवेलेबल है, हमें सर्च की ज़रूरत तो है नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे डिलीट, ठीक है। हमें ड्रॉप डाउन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन को हटा दीजिए इसको। तुम्हारा सिंपल नेविगेशन आ गया। लिंक हमें कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आप एक क्लास देखेंगे एम ई, मार्जिन एंड से ऑटो है, हमें बोलना है एम एस स्टार्ट से ऑटो। तो लिंक कहाँ पर आ गए, राइट में। इसके बाद यहाँ पर मैं डिसेबल की भी रिक्वायरमेंट नहीं, इसको भी रिमूव कर दूँ। अब हमारे पास जो लिंक्स अवेलेबल हैं उनको कॉपी और यहाँ पर लाके आपने कॉल कर लेना है। तो होम ऑलरेडी है, अबाउट आप यहाँ पर डाल दें, पोर्टफोलियो सर्विसेज, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, और वेब ब्राउजर में आपने चेक कर लेना ये सभी लिंक्स आपके यहाँ पर अवेलेबल। नेक्स्ट है नैव बार, इसको हमने अपने लोगो से रिप्लेस करना है। तो लोगो वाले पार्ट पर राइट क्लिक, डुप्लीकेट ग्रुप, न्यू, ओके, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, पीएनजी क्लिक। आज की डेट में ये हेडर लोगो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर जहाँ नैव बार मेंशन है उसको आपने रिमूव करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे img images / हेडर लोगो, कंट्रोल एस, और वेब ब्राउजर में जब आप स्विच करेंगे तो आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा अपना, ठीक है। तो ये नैव बार अपना कॉल हो गया। अब
इस नेबार के बैकग्राउंड में आप अगर ध्यान दें तो एक कलर यहाँ पर अवेलेबल है ना, ये कलर अलग आ रहा है और ऊपर कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, पता चल रहा होगा देखने में। तो इस पार्ट को हमें फिक्स करना है, तो क्या करें इसके लिए, यहाँ से नेबार में आप देखेंगे बीजी बॉडी ट्राइट्री कुछ लिखा हुआ है, इसको सही हो गया, इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया। इसका कस्टमाइजेशन पे काम अभी करेंगे, पहले नीचे वाले पार्ट को आप रेडी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नेव, नेव के बाद हमारा कंटेनर, कंटेनर के बाद अगेन हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे रो कॉलम। अब हमें यहाँ पर थ्री कॉलम्स बनाने हैं, मेरा जो फ्री स्लॉट है वो 2 बजे वाला ही है, बाकी तो सबने रात तक बैठे हैं। सीट्स पे तो आ गई बीजेपी, 231 सीट्स, 280 सीट्स ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऑब्वियसली नीचे जाएगी। टोटल 270 सीट्स अगर बीजेपी के पास आ गई तो अकेली गवर्नमेंट बन जाएगी और चांसेस लग रहे हैं। कांग्रेस 100 पर है, कांग्रेस 100 पर है, ज्यादा नहीं चाहिए तो जीतने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा इनका फैसला। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक मार्केट नीचे भागेगा, बिल्कुल एकदम बूस्ट मारेगा फिर।
यहाँ पार्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो थ्री कॉलम्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर थ्री टाइम्स कॉलम्स को कॉल कर रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ ये पार्ट कॉल करना है, जैसे कि हेडिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कार्ड के नाम से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गेट बूटस्ट्रैप पर आएंगे और यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे कार्ड। कार्ड में आपको इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कॉपी करिए इसको और तीनों के अंदर एक साथ माउस के मिडिल बटन से ड्रैग करना है, एंटर लगाना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इमेज की किसी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करते जाइए और इमेज को डिलीट कर देंगे इसमें। तो ये हमने किया ऑल्ट के साथ सेलेक्ट, राइट क्लिक करके जब ब्राउजर में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारे थ्री कार्ड्स इस तरह से बन के ये नहीं, तो ये इसके बीच में आने चाहिए, यानी कि हमारी कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई। तो कंटेनर की स्पेलिंग चेक करो, कंटेनर बीच में आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से। नेक्स्ट मैसेज अपना अपडेट कर दूँ इसमें, तो यहाँ ही कॉपी इस कार्ड टेक्स्ट में, यहाँ से हम लोग अपना टेक्स्ट अपडेट करेंगे, कॉपी करिए इस वाले पार्ट में, लिंक की हमें सभी में रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले में छोड़ के। तो इस वाले पार्ट को बनाने के लिए आपने क्या यूज़ करना है यहाँ पर यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन फाइंड आउट करिएगा लिस्ट के नाम से, लिस्ट ग्रुप। लिस्ट ग्रुप में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर अवेलेबल है और हमें इसके अंदर अपना मैटर कॉल करना है।
ब्राउजर में। देखो जिस तरह से हमारा पार्ट अवेलेबल हो गया इसमें, हमें यहाँ पर एक तो 1 2 3 4 की रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे लिस्ट ग्रुप क्या लिखा हुआ है, नंबर, इसको हटा दो तो पार्ट रिमूव हो जाएगा। हमें हेडिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे, तो हेडिंग रिमूव हो गया। हमें इनमें पैराग्राफ कंटेंट कुछ पास करना है, यहाँ से कॉपी करते हैं उसको। ये बैजेस हम लोग देख रहे हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट इन तीनों को हम लोग करेंगे कट, क्लिप से पहले यहाँ सिंबल से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर गेट बूटस्ट्रैप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइकन, ठीक है। आइकन में सबसे पहले हमने लगानी है लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी अटैच करने के लिए आपने यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेना है इसका, सीडीएन प्रोजेक्ट के टॉप में आएंगे और यहाँ ला के हम लोग इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने यहाँ से फाइंड करना है सिंबल, चेक कौन सा मैच कर रहा है भाई, इसको ट्राई करके देखो कॉपी। जितनी जगह पर आपका अलाइन सॉरी ये वाला पार्ट मेंशन है स्पैन, इसको रिप्लेस करो तो कॉल हो गया हमारा सिंबल इस तरह से। तो इसके ऊपर जो हमारा कार्ड का टेक्स्ट लिखा है हमें इसकी जरूरत है, इसको हटा दें। और इसका कोई बैकग्राउंड कलर अगर हम लोग कॉल कर सकते हैं तो बीजीएम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो हम अपने इमेज को ट्राई करके देखते हैं यहाँ से अगर हमारा इमेज से काम चल जाए। डुप्लीकेट इसको नेम दे दो यहाँ पर, चेक सिंबल,
सभी के सामने। नेक्स्ट हमें इस आउटलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो हम लोग यहाँ पर लिस्ट में देख रहे हैं, तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे इसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें हमारा जो ओएल टैग है बॉर्डर यहाँ पर अवेलेबल है और एक हमने ऊपर कहीं बॉर्डर्स में मेंशन किया हुआ है, बाकी पैडिंग है इसके अंदर। तो आपको लिस्ट ग्रुप को टारगेट करना है बेसिकली, ओएल के अंदर लिस्ट ग्रुप और एक क्लास में पास लिस्ट ग्रुप आइटम। तो लिस्ट ग्रुप आइटम के अंदर हमारी बॉर्डर डली हुई है, तो यहाँ से ये क्लास कॉपी और ऊपर आइए लिखिए लिस्ट ग्रुप आइटम और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर नन एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे क्या हमारा बॉर्डर चला गया ये वाला पार्ट। तो इम्पोर्टेंट क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जितनी भी कोडिंग लिखी जाती है उसके पीछे पहले से इम्पोर्टेंट लगा होता है। तो इससे होता है क्या, इम्पोर्टेंट लिखे होने से कि आपका इंटरनल जो आपका सीएस जो आप लिखते हो वो उसको ओवरराइट नहीं कर पाता है। बट अगर आप चाहते हो कि बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी इंटरनल कोड से ओवरराइट हो जाए तो आपने उसके साथ क्या लिखना है, इम्पोर्टेंट, तो उसको हटा देगा। ठीक है, तो जो भी आप डिफॉल्ट को हटाना चाहते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ इस पार्ट के अंदर इंस्पेक्ट, तो जो पहले का लिस्ट ग्रुप आइटम था तो हर जगह ये लोग क्या करते थे उसमें इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं अपने कोड को लिखने के बाद। तो पहले जरा कर लो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक हमें पैडिंग दिखाई दे रहा है, इस पैडिंग को भी हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ ये ओएल टैग को पकड़िए, यहाँ तक हमारा ओएल है, ओएल के अंदर हमारी पैडिंग लगी हुई है अंदर, यहाँ नोटिस करेंगे पैडिंग। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स हमने इसमें लगा रखी है अपनी, फ्लैक्स डायरेक्शन इज कॉलम। ठीक है, तो एल आई पे चेक करो, एल आई में कहीं पैडिंग होनी चाहिए फिर। तो यहाँ देख रहा पैडिंग, ये पैडिंग यहाँ से कॉल हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो हम इस पैडिंग को लिस्ट ग्रुप आइटम में हैंडल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ देखिए लिखेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम पैडिंग लेफ्ट जीरो पैडिंग राइट कंट्रोल एस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका गैप बराबर हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसको नन करना है। तो ओएल टैग में देखो कहीं पर कोई बैकग्राउंड कलर हमने कॉल किया है कि नहीं, वो अलग चीज। लिस्ट ग्रुप पे चेक करो, लिस्ट ग्रुप पे तो कलर नहीं है। लिस्ट ग्रुप आइटम तो लिस्ट ग्रुप आइटम के अंदर बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है। ठीक है, और एक जो कलर है वो हमारे कार्ड के अंदर भी डाला हुआ है, तो आपने अपने कार्ड को टारगेट करना है। कार्ड का बैकग्राउंड कलर चला गया, अब दूसरा कहाँ पर लिस्ट ग्रुप आइटम के अंदर एक यहाँ लगा दो, प्लेन हो गया। कार्ड का बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, पूरे कार्ड का बॉर्डर भी हमें हटाना है। बॉर्डर रिमूव, इसके बाद यहाँ पर जो ये मैटर हमारा लिखा हुआ है इसको हमें कैपिटल करना है। तो इसकी भी ना क्लास पहले से बनी होती है, आपको बस यहाँ जाके लिखना पड़ेगा कार्ड टाइटल को पकड़ के,
आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया इस तरह से डन। इस बैनर में हम लोग ऊपर नीचे एक बॉर्डर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने बैनर इमेज कॉल किए, तो इस कंटेनर पर आप बॉर्डर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चारों साइड से बॉर्डर आ गया इसके अंदर, ठीक है। और ये बॉर्डर हमें तो ये प्रॉब्लम मैं समझ गया क्या है, लेकिन हमारे पास नहीं है सिस्टम में, नहीं है सब नीचे है सिस्टम, उसमें ग्राफिक कार्ड लगेगा तब HDMI का कार्ड आएगा ना, मॉनिटर में HDMI है। तो बॉर्डर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर फ्रॉम टॉप, बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग वाई में लाइक 3। तो आप देखेंगे ऊपर नीचे हमारा कुछ बॉर्डर आ गया उनके इस तरह से, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारा जो ये इमेज है ये से बाहर जा रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने कंटेनर के अंदर जो पैडिंग है, पैडिंग एक्स, उसको हम लोग क्या करेंगे 0। तो सही जगह पर आ गया आप देखो, ठीक है, परफेक्टली अलाइन है एकदम प्रॉपर इस तरह से। तो ये वाला काम आपने करना है, तो ये जो लाइन है अब आप इसको देखो कितने डिस्टेंस पर रखना है। तो जैसे 3 हमने यहाँ डाला है, पी वाई मतलब वाई एक्सिस, तो ऊपर नीचे मतलब दोनों में आपका एक साथ कॉल हो जाता है। देखो इस तरह से ये पार्ट आपका कॉल हो जाएगा। ऐसे में नैब बार को हैंडल करना है, नैब बार पर जाइए, तो नैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है नैब आइटम, ठीक है, और नैब लिंक। तो नैब लिंक के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा नैब बार में एक्टिव कलर, और नैब लिंक में हमारे नॉर्मल कलर्स यहाँ पर कॉल हो रखे हैं। तो इसको अभी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जैसे कि ये कलर हमें चेंज करना है, और यहां तक आप डिफाइन कर दें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कंट्रोल एस सभी कैपिटल हो गए। कलर हमें क्या रखना है वो आप यहां से कॉपी कर लेंगे,
तरह से कोड लोग आ जाएंगे। होवर के लिए बाय डिफॉल्ट में लगा हुआ है बूटस्ट्रैप में, बट हम लोग चाहें तो अगर कोई डिफरेंट कलर होता तो बदल सकते थे। तो हम लोग यहाँ पर उसको लिख सकते हैं इस तरह से, नेवलिंग कॉलन होवर, जो हम लोग लिखते हैं सुडो ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, बदल सकते, बट हमारा बाय डिफॉल्ट कलर जो आ रहा है उससे काम चल रहा है। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा हुआ है कंप्लीट। और क्या बचता है, ये हमें न्यू लाइन में चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे इसमें बी आर और एक लाइन का और हमें क्या नेक्स्ट इसको हमें क्या करना है, इटैलिक में क्या यूज करते हैं, हो गया चेंज। क्लिकेबल नहीं बनाना उसको, क्लिकेबल हम लोग इसको बनाएंगे इधर वाले पार्ट। तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास एक बटन के लिए इसको हटा दें, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड है, नॉर्मल टेक्स्ट रखेंगे इसको। इसके आगे में एक सिंबल की रिक्वायरमेंट है एरो की, रीड और रीड के आगे में एक एरो की रिक्वायरमेंट है। तो एरो आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए, बैक करेंगे यहाँ से और यहाँ पर सर्च करेंगे राइट एरो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो यहाँ पर अवेलेबल है, तो हमें एरो राइट शॉट, तो शॉट वाला एरो है इसमें कौन सा वाला है, लेंदी वाला है, तो यहाँ से एरो राइट ले लो, कोड कॉपी इधर लाके कॉल करिए, तो कॉल हो गया एरो अपना। इस तरह से इन सभी के आगे भी हमें एरो डालना है, तो आप यहाँ से बेनिफिट्स अबाउट एंड टेस्टिमोनियल इन सभी में भी इसको कॉल करा दो, प्लस हमें इन सब में स्पेस चाहिए तो स्पेस लगा दो, पार्ट में हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ भी कॉल करो। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इसको स्टाइल अभी कर देते हैं, पहले आगे का पार्ट देखो। अब ये वाला पार्ट हमें बना रहे इसमें, इस डिप के बाद में आगे डॉट कंटेनर डॉट रो। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल मोड में ये चेंज हो इनका लुक एंड फील, तो उसकी बात करेंगे। और यहाँ से हमें हेडिंग ऊपर कॉल करना है, तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे डॉट रो डॉट कॉल, और हेडिंग हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं इसके अंदर और पोर्टफोलियो। सभी पार्ट्स की जरूरत नहीं है, उसको हटाइए, इन सभी को मर्ज, और यहां से आप इसको नेम दे रहे हैं पोर्टफोलियो वन पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो थ्री पोर्टफोलियो फोर, चारों को सेलेक्ट राइट क्लिक एक्सपोर्ट और
सेलेक्ट जेपीजी एक्सपोर्ट ऑल, और हम काम कर रहे हैं डी ड्राइव के अंदर टीटीएस 1030 जून आज की डेट सेलेक्ट हो गया। सो चारों इमेजेस में हमारे वो एक्सपोर्ट सक्सेसफुली हो गए। तो यहाँ पर आपने चार कॉलम बना लेने हैं, सभी को सेलेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो विर्थ है वो ज़्यादा है और हमारी इमेज की विर्थ क्या है कम है इसके अंदर, ठीक है। तो वाला पार्ट आपको हैंडल करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट इसका बीजेपी का बढ़ रहा है, बीजेपी अपने नहीं ले रही है, दिल्ली से कांग्रेस मतलब एक है और छह समझेंगे ब्रेक डाउन। तो आपने एक ना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखना है मोबाइल सिमुलेटर के नाम से। अभी आप देखोगे यहाँ पर पूरा जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव ना होके इस तरह से कुछ हमारा काम कर रहा है ना। और हम यहाँ से अगर कोई डिवाइस चूज़ कर लें लाइक जैसे कि शाओमी 12 या फिर जैसे हम लोग यहाँ से चूज़ कर लें मैकबुक एयर, ठीक है। तो ये अभी डेस्कटॉप फ्रेंडली हमारा काम कर रहा है पूरा डिज़ाइन। तो ये ब्रेक हो पहली चीज़, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर सेट करना है। तो सबसे टॉप में जाएं और यहाँ पर चेक करें चीज़ों को तरीके से कि क्या हमारा व्यू पोर्ट इसमें मेंशन है। तो व्यू पोर्ट लगा हुआ है। तो ये जो अपना नेविगेशन वाला पार्ट है, अब ज़रा देखो यहाँ से कुछ मेन्यू बन के तैयार हो गया अपना। अब ये जो बैनर है ये हमारा छोटा नहीं हो रहा है ना। तो बैनर के लिए लोग क्या करें, बैनर पर आपको जाके यहाँ लिखना पड़ेगा W100। और अभी जब लोग यहाँ से मोबाइल बटन दबाएंगे तो ये छोटा हो गया बैनर। अब ये जो हमारा अबाउट अस बेनिफिट्स टेस्टिमोनियल है इसका मैं तरीके से लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको आप बताएंगे कि मोबाइल में कॉलम रहेंगे 12, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था मोबाइल फर्स्ट है। तो
मोबाइल में 12 कॉलम रहे, जिससे क्या होगा ये कंट्रोलाइज करते ही इस तरह से आएगा अबाउट बेनिफिट्स एंड टेस्टिमोनियल। और जब हम इसको बड़ा करें तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्पेस कॉल MD मतलब मीडियम डिस्प्ले क्या हो जाए 4 मल्टीप्लाई 3 कॉलम इक्वल टू कितना हो गया 12। तो देखो 12 कॉलम हो गए। वैसे तो जैसे मोबाइल फ़ोन आएगा तो आपके 12 कॉलम हो गए, जैसे ही आपका डेस्कटॉप मोड आया तो ये 12 / 3। ठीक है, तो आपका इस तरह से करना है। इसी तरह से हमें सबसे नीचे वाले कार्ड्स को हैंडल करना है। हम चाहते हैं कि मोबाइल में अगर बड़ा करेंगे तो पिक्सलेट होगा, ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करें। तो आप यहाँ जाएं, पहले तो हम लोग विड्थ 100% लिख के देख लेते हैं। हमने लिखा क्लास W100, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा आपको। W100 लिखने पर है ना बड़ी अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो हम क्या करें कुछ ऐसा लिख दें कॉलम डेस्कटॉप पर उस मोबाइल मोड में 6 और कॉल MD 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। तो देखो ऐसा बन गया, ये मोबाइल मोड हो गया और ये डेस्कटॉप मोड हो गया, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए डाला है, इसको चाहे तो हटा सकते हैं। हाँ वो डल जाएगा, वो बड़ी चीज़ है। यहाँ जाओ, यहाँ जाके लिखो G3 बोले तो गैप, ठीक है, बन गया गैप अपना इस तरह से। तो रिस्पॉन्सिव के लिए तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ा इसमें, कुछ नहीं ना के बराबर है ना, और आपका बन के तैयार हो गई चीज़ें इसके अंदर। तो बस डेटा फीड करते जाना है और यूज़ करते जाना है। लास्ट आपका बचता है इसके अंदर फुटर वाला पार्ट, वो आप इसमें डिफाइन कर लो। तो अभी इसमें एक पार्ट और रहता है हमारा, वही ये, ठीक है। और इस कंटेनर के ऊपर हमें ऊपर नीचे बॉर्डर डालना है, तो आप यहाँ से जाके लिखेंगे कंटेनर PY4 बॉर्डर बॉटम बॉर्डर डॉट। तो ब्राउजर में जब आप देखेंगे इसको, अरे क्या है, दूर पे चल रहा है क्या, तो ये अगली लाइन ऊपर नीचे इस तरह से, तो फुटर लाइन करो, तो यहाँ से अगेन इस पार्ट पर लिखेंगे डॉट कंटेनर रो कॉलम। इस रो में 2 कॉलम हम लोग बनाएंगे, एक कॉलम में हम यहाँ पर मैसेज अकाउंट में लिखेंगे ब्लॉग अपडेट्स एंड कनेक्ट विद अस। अब जो ब्लॉग अपडेट्स है उसकी विड्थ ज़्यादा है एंड कनेक्ट विद अस की कम है, तो हम लोग 8 + 4 काउंट कर लेते हैं, तो 12 कॉलम हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मोबाइल मोड में ये 12 कॉलम ही रहेंगे, लेकिन कॉलम MD यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और नीचे वाले को 4, ठीक है। अब आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, इसकी विड्थ बड़ी होगी, इसकी विड्थ कम होगी हमारी, है ना, इस तरह से। क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो स्ट्रक्चर है वो 12 कॉलम का होता है, आपका टोटल 12 ही आना चाहिए, ठीक है। और बड़ा करना चाहो और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ये मैटर डालना है इसमें, यहाँ से कॉपी करेंगे आप इस मैटर को, यहाँ जाएंगे, इसके बाद में अपने पैराग्राफ ऐड करना है, क्लास लीड डाल दो और इसमें मैटर कॉल कर दो। ये देखो आपका मैटर कॉल हो गया इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के लिंक्स डालने हैं, तो यहाँ से आप सोशल मीडिया के लिंक्स देखेंगे, सर्च कीजिएगा सोशल, लिंक आ रहे हैं सोशल मीडिया के इसके अंदर,
आप यहाँ से जो भी लिंक आपको मिलता है वो अपना लेके डाल दो, जैसे कि यहाँ पर गया ट्विटर, सब्सक्राइब, ठीक है, ट्विटर एक्स, यहाँ से फिर दूसरा गया फेसबुक, यहाँ का फेसबुक का लिंक आ गया, फिर फ्लिकर, फ्लिकर का शायद नहीं, और आरएसएस इसका मिल जाना चाहिए इसका। तो इस तरह से के पास लिंक्स इसमें अवेलेबल। फ्लिकर भी ना एक इमेज के लिए वेबसाइट होती थी, और यहाँ पर लोग जाके अपनी इमेजेस पोस्ट किया करते थे एक जमाने में, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट बनते थे और लोग अपने फोटोग्राफ्स वगैरह पोस्ट करते, लोग यहाँ से फिर उनको लेके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ करते। ज्वाइन द फ्लिकर कम्युनिटी होम टू टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ फोटोज एंड 2 मिलियन ग्रुप। तो यहाँ से फोटोज लो और अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं, बस अकाउंट बनाने की जरूरत होती है और कुछ। ये फुटर वाला पार्ट है, और अब लास्ट में बिल्कुल फाइनल फुटर बना दो डॉट कंटेनर फ्लूड, फिर उसके अंदर डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। कंटेनर फ्लूड में बीजी डार्क डाल दो और कंट्रोल एस, तो ये वाला पार्ट आ रहा है मुझे। तो हमने कहाँ डाला है, कंटेनर फ्लूड के अंदर। कलर पूरे में एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और इस पर आप एक अपना लाइट कलर डाल सकते हो, जो हमने करके था बीजी कस्टम, बीजी ग्रे सर्च करो, बीजी ग्रे के नाम से कोई क्लास नहीं होगी, तो यहाँ पर सेकंड ग्रे से आपने इस कोड को लेना है और वीएस कोड में टॉप में आना है। यहाँ पर आके आप मेंशन करेंगे इसको, डीजी नहीं चाहिए, अपने कलर को मैच कराइए इसके अंदर। ये देखिए मैच हो गया इसमें। इसके बाद यहाँ से ये सारे नेविगेशन कॉपी, और ये देखिए फुटर में आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया। यहाँ से आप इसको चाहें तो पैराग्राफ में कट और कॉपी के लिए एम्परसेंट कॉपी, तो आप ये दोनों पैराग्राफ्स यहाँ अवेलेबल। इधर हमें एक इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो एक और बनाइए डॉट कॉल imgsrc, यहाँ पर लिखिएगा इमेजेस स्लैश फोटो लोगो डॉट png, और यहाँ से इसको आप एक्सपोर्ट करें।
ओपन विद लाइव सर्वर, ये आपकी इमेज यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब ये जो हमारा इमेज है ये राइट पर होना चाहिए, तो यहाँ जाके आप इसको डिफाइन कर देंगे क्लास और यहाँ लिखेंगे आप MS, तो कहां पर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। यहां से इन सभी को लिंक बनाइएगा, उन्हें लिंक में कन्वर्ट कर लेना इस तरह से। अभी जरा रिस्पॉन्सिव करके देखो और यहाँ पर सोशल मीडिया के अपने आइकन्स को अलग करके देखो। हमारे सारे आइकन यहाँ पर कर सकते कोई टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होगी फॉन्ट साइज की। फॉन्ट वेट 400, डिस्प्ले में ऑलरेडी इन लाइन ब्लॉक है, फॉन्ट फैमिली
चेंज कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर? तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है fs के नाम से, fs बोले तो फॉन्ट साइज, fs लाइक 5, ठीक है? तो 1 लिखेंगे तो सबसे बड़ा बनेगा, 2 लिखेंगे तो थोड़ा छोटा बनेगा। तो आप देखिए आपको किस साइज का आइकन रिक्वायर्ड है ना, गैप वगैरह सब आ जाएगा। यहाँ से यूएल, तो यूएल हमारा इस वर्थ में है, तो आप यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हो। डी फ्लैक्स उसके मिडिल बटन से, माउस के मिडिल बटन से करना होता है। बन गया, होवर काम करने लग गया। होवर के कलर आप चेंज करना जानते हो क्या करना है? रेस्पॉन्सिव करके देखो एक बार। अब यहाँ पर ये पार्ट हमारा जो है इस तरह से आ रहा है ना, तो फुटर हमारा तरीके से है, तो क्या करेंगे फुटर वाले पार्ट पर कॉलम, कॉलम मोबाइल में 12 कॉलम, कॉल मैंने कभी कॉलम लिखे थे ना, नंबर कहाँ लिखा था हमने? हाँ, तो ये मैं फुटर, ये मैं फुटर क्लिक करना पड़ेगा। सही हो गया। अब ये जो लोगो हमारा राइट में भाग रहा है, हम चाहते हैं सेंटर में है, ठीक है? तो यहाँ जाके आप लिखेंगे डिस्प्ले पर मार्जिन स्टार्ट से ऑटो हो जाए, तो यहाँ पर ये सही है और बड़े डिस्प्ले पर ये राइट में। तो सर जो वो तो @2010 लिखा है वो नीचे नहीं आना चाहिए इमेज पे? इमेज के नीचे क्यों लाएंगे? क्योंकि अगर मोबाइल में आप देखिए तो वो अच्छा उसी के नीचे लगता है, इमेज के नीचे लास्ट में जो वो इसमें ऐसा रखा हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो उसके भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक कोड लिख देना है, ऑर्डर यहाँ पे एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे, और अगर आप चाहते हो कि इसको ऊपर आ जाए तो यहाँ लिखिए क्या होगा कि ये यहाँ पर पहले आ गया, इधर बाद में दिखाई देगा आपको कुछ इस तरह।
से, तो आपने यहाँ पे लिखना है ऑर्डर एमडी मीडियम डिस्प्ले पर इधर आए, मोबाइल डिस्प्ले में ही इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। प्लस हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एमडी लेफ्ट स्टार। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर हो गया, और जब लोग बड़े डिस्प्ले पर आएंगे तो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ की कोडिंग दी हुई है, अलग अलग आप सेट करके कर सकते हो। आज हमारा जो हो गया डिज़ाइनिंग वाला पार्ट नहीं है, आज है स्ट्रक्चर को समझना कि स्ट्रक्चर किस तरह से जाता है इसके, ठीक है। तो इस तरह से आपका जैसे मोबाइल मोड आएगा, ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए जो आपने सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज होगा, और अगर आप डेस्कटॉप पर आओगे तो डेस्कटॉप अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आप बेसिक इतना ट्राई कर देखो, उसको और बेटर रिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो कॉलम का समझ में आया सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी टेम्पलेट लेके या फिर इसी को अगर आप अपने अकॉर्डिंग दोबारा से ट्राई करना चाहो तो करके देखो, फिर दिखा रहा हूँ। 12 20